वेलकम बैक टू लर्न विद परी। तो दोस्तों आज का वीडियो है अनबॉक्सिंग वीडियो। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, कितना छोटा छोटा मिनीचर किचन सेट है, मिनीचर किचन सेट। वाव, इसको हम लोग आज अनबॉक्स करने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता है ये स्टील का है, इसमें ना हम लोग असली में भी कुक कर सकते हैं। ये ना मेरी मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। और दोस्तों अगर आपको भी मेरे जैसे ऐसे एक मिनीचर किचन सेट चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, इसका लिंक हाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ना उसमें क्लिक करके इस ये मिनीचर किचन सेट को ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों आप और मम्मी जब देखे थे ऑनलाइन तब उनको लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा छोटा आएगा, लेकिन अगर असली में आया तो फिर दिखा ये तो सही साइज है। तो फिर चलो इसको अनबॉक्स करना है मुझे, इसमें साथ सेल्फ और सब कुछ देखना है, मुझे इसके साथ खेलने का मन हो रहा है। और फ्रेंड्स ये ना स्टील का है, इसीलिए इसमें ना मैं एक दिन असली में कुकिंग करूँगी, लेकिन इसमें बस गैस नहीं दिया। लेकिन पहले ये पेटी को अनबॉक्स कर दे, ये पता नहीं इसके अंदर क्या, फिर ही पता चलेगा कैच है कि नहीं। तो चलो अनबॉक्स का तो मुझे देखना है, बापरे कूदने लग गई। चलो तो पहले ये सेलो टेप सारा हमको खोलना है पील करके। ये लो भाई इतना बड़ा सेलो टेप, वही शा मेरा हाथ पूरा सेलो टेप ही हाथ लीजिए। फ्रेंड्स हमने इसको निकाल दिए, बाल्टी देखिए फ्रेंड्स कितना क्यूट सा बाल्टीन है। मैं इसमें लेकर ना अपने मैं इसमें नहाऊंगी अपने बाल, मैं ना इससे पानी लेकर आऊंगी और नहाऊंगी इससे, और खाना बनाने के लिए भी इसमें थोड़ा सा पानी लाऊंगी मैं। वरना ये बहुत क्यूट है, सो क्यूट। ओ हाँ वैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनको टिफिन बॉक्स तो चाहिए होते हैं ना, इसलिए ये है उनके लिए एक बॉक्स, मिनीचर बॉक्स। ये तो बिल्कुल असली टिफिन बॉक्स जैसे, देख लीजिए। फ्रेंड्स इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ना पहले इसको निकाल दूंगी और फिर हम लोग फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये है ग्राइंडर। ओ ये मैं तो उल्टा रखी हूँ, हाँ ऐसे। तो देख लीजिए ये इसमें क्या, इसमें इतना क्यूट सा तार भी दिया है, इसमें मैं प्लग अपना छोटा सा प्लग में लगाऊंगी और फिर ये ग्राइंड करूंगी। और इधर का ये जो स्विच है इसको ऑन और फिर ग्रर करके ऐसे ऑन होगा। वो वाह, कुकिंग करने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना। तो फिर ये देख लीजिए फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग पानी डाल देंगे और फिर इधर का ये जो टैप है इसमें ऐसे खोल देंगे। और हमको अगर हमारे ये बाउल में पानी भरना है इसको इधर ऐसे डाल देंगे और ऑन। अब बंद, ए ओ अब हम लोग ग्रीन टी बनाएंगे इस कप से। और हाँ फ्रेंड्स ये है वो, इसमें हम लोग पानी भर, हाँ। और अब हम लोग देख लीजिए मटकी, हमको पानी लेकर पानी वो जो हमको पानी वो कुकिंग करने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना, तो ये मटकी में हम लोग पानी भर कर आएंगे ऐसे टिंग टिंग टिंग, देखो ऐसे ला। मुझे ये मटकी भी बहुत ब्यूटीफुल लगा, मतलब अच्छा लगा। और अब बारी है तो फ्रेंड्स हम लोग हमारे पास गाय भी होते हैं ना, उससे हमको मिल्क तो लाना होगा, तो फिर हम लोग वो गाय से इसमें मिल्क डाल कर आएंगे। देखो इसमें मिल्क डाल देंगे और फिर टिंग टिंग करके घर चले जाएंगे। और फिर आया है हमारा अब क्या नेक्स्ट आएगा, कप। तो देखिए फ्रेंड्स ये कप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना,
मुझे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये एक डब्बा है, इसमें हम लोग राइस शुगर वो सब रखेंगे। ओ ये तो खुल नहीं रहा है क्योंकि इसमें सेलो टेप लगाया है। पहले हम लोग इस सेलो टेप निकाल देते हैं। पापरे इसको पील करना होता है पूरा। वाओ देख लीजिए दोस्तों कितना क्यूट सा डब्बा है। इसमें हम लोग राइस शुगर कुछ भी रख सकते हैं, चावल वो सब। और अब बारी है बाउल्स की। ओ ये तो ऐसे ये है, ये है तीनों बाउल्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये तीन डिफरेंट डिफरेंट साइज के बाउल्स हैं। अब बारी है सारे थाली की। पापरे ये तो निकल ही नहीं रहा। इसमें पूरा शेल्फ करके दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए ये है यूटेंसिल्स का शेल्फ। इसमें हम लोग बाद में अरेंज करके देखेंगे। ओके तो आगे भी बढ़ते हैं। तो ये है थाली। इसमें टोटली 1 2 3 4 5 प्लेट्स। वाह ये सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लेट्स है। देखो पहले ये और उसके अंदर सबसे छोटा वाला। और फ्रेंड ये देखिए और ये है वो छोटा सा ग्लास। और ये है सारे स्पून्स टोटली 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें 4 स्पून्स दिया गया है खाना खाने के लिए। और ये 3 स्पून्स दिया गया है वो कुकिंग करने के लिए। फ्रेंड वो जब हम लोग बनाते हैं तो फिर वो बाउल बहुत गर्म होता है ना, तो फिर उसके लिए हम लोग ये चिमटा यूज करते हैं। देख लीजिए कितना क्यूट सा है। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए इस पर हम लोग खाना वो सब डालेंगे। एक बाउल है और इसमें एक कैप भी है इसके लिए, क्योंकि अगर इस खाने में अगर कीड़े गिर जाएंगे और फिर उसको खाएंगे तो फिर ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं होता ना, इसलिए इसके लिए भी एक कैप है। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए और 5 प्लेट्स हैं और भी बहुत सारे प्लेट्स हैं। अरे काउंट करते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5। फ्रेंड ये जो कप्स है ना उसकी यही है ये प्लेट्स है। ये देख लीजिए ऐसे चाय गर्म होता है ना तो फिर हम लोग ये प्लेट में उनको देंगे। वाओ कितना क्यूट लग रहा है, छोटा छोटा मिनीचर लैंप है इसलिए क्यूट तो होगा ही ना। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स ये देख लीजिए लाइटर। गैस में हमको लाइटर तो जलाना होता है ताकि ताकि वो गैस पे आग लगे ऐसे। चलो हाँ ये बॉक्स के अंदर क्या है, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा हमारा सीजर, रेड कलर सीजर और वैसे रेड कलर टेप ही लगाए। चलो खोलते हैं क्या है। वाह देखो तो ये इसको सिल्वर आना था लेकिन गोल्डन आ गया। इसको तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। बाप रे बाप कितना क्यूट सा है। मुझे लग रहा था कि ये गैस ही आएगा। मैं करेक्टी। चलो अब इन सबको भी खोल देते हैं, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। चलो चलो निकल जाओ गैस, आ जाओ। अरे निकल जाओ ना मुझे। देखिए फ्रेंड्स कितना क्यूट सा है ये गैस। पुई ऑन, अब मैं खाना बनाऊंगी। ये बहुत क्यूट सा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और ओ देखिए फ्रेंड्स कितना क्यूट सा मिनीचर कढ़ाई है। ओ ओ तुम फंस गए हो। ओके चलो तुमको कहीं चीज से काट कर निकालती हूँ। ये इधर रहेगा हाँ, और मैं इसमें कुक करूंगी ऐसे। टुई 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 कितना क्यूट सा है ये कढ़ाई, मुझे तो ये बहुत
ब्यूटीफुल और अच्छा लगा। वैसे ये गोल्डन का है। और चलो अब ये गैस सिलेंडर खोलते हैं। सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर। वाह फ्रेंड्स, ये देखिए कितना क्यूट सा गैस सिलेंडर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कैसा गैस सिलेंडर कनेक्ट कर लिया है। इसके अंदर हवा करते हैं और इसमें कुकिंग करेंगे हम लोग। देखो ऐसे डाल देंगे और ये रहा स्पून और इसमें कुकिंग टाइम। ऐसे करेंगे। ओह ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्यूट सा प्रेशर कुकर है। इसको तो मैं निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्यूट सा प्रेशर कुकर है। कितना क्यूट सा है गोल्डन का। मैं कुकिंग करूँगी और फिर इसको क्लोज कर लूँगी इसका ढक्कन को। और फिर सीटी के लिए वेट करूँगी। दो सीटी हो गए। कितना क्यूट सा है। मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगा मिनीचर टॉय। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको फिर से एक एक करके सब कुछ दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है बाल्टी, टिफिन बॉक्स, ग्राइंडर, वो जिससे हम लोग पानी भरते हैं, दो दो मटका, और ये है वो मिल्क गाय से मिल्क लाने के लिए जो यूज होते हैं, और ये है डब्बा, और ये है बाउल्स, डिफरेंट साइज के बाउल्स, और ये है प्लेट्स, और ये है स्पून कुकिंग करने के लिए, और ये है खाने के लिए स्पून्स, और ये है ग्लास, ये एक बाउल है जिसमें एक कैप भी है, और ये है एक चिमटा, और ये फाइव प्लेट्स हैं, और उसके और उसके ऊपर ये कप्स डालेंगे, और ये है वो स्टोव, और ये है गैस सिलेंडर, और ये है कढ़ाई, प्रेशर कुकर और बर्तन का स्टैंड। तो फ्रेंड्स चलो मैं इसको अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। पहले ये सारे चीज़ें को तो निकाल देती हूँ, ये कवर को। दोस्तों देख लीजिए, मैं सब कुछ उसके जगह में रख रही हूँ। अब सारा प्लेट्स हम लोग रख लेते हैं। ये वाला प्लेट इधर, ओके। और अब इसको हम लोग इधर रखेंगे ऐसे, ये वाला इधर, ओके। तो ये देखिए हमने सारा प्लेट्स तो रख लिए, अब बीच में ये ग्लास रख लेंगे। देखिए पहला सेल्फ तो रेडी हो गया। और अब हम लोग के चारों स्पून को इधर रख ले लगा लेते हैं, और ये वाला इधर। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे स्पून्स भी रख लिए। अब हम लोग रखेंगे सारा मटका। ये देखिए इधर है हमारा पहला मटका, और ये इधर, और ये नीचे, और ये इधर, और ये क्यूट सा टिफिन बॉक्स इधर, और ये ग्राइंडर इधर, टिफिन बॉक्स इधर, बाल्टीन इधर। जो भी बड़ा बड़ा सामान है उसको हम लोग ऊपर रख लेंगे, और फिर बाकी सारा जो बचा उसको हम लोग नीचे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारा बर्तन उसकी जगह में रख ली, और फ्रेंड्स ऊपर सारा बड़ा बड़ा वाला, नीचे मीडियम वाला, और इधर वो सारा प्लेट्स और ग्लास, और इधर सारा स्पून और कप्स, और इधर सारा वो टिफिन बॉक्स, बाउल, कढ़ाई और प्रेशर कुकर। लेकिन ये स्टोव और गैस तो इसके अंदर फिट नहीं हुआ,
और हाँ वैसे भी ये तो बर्तन स्टैंड है, बर्तन स्टैंड में तो बर्तन ही रहता है, ये गैस और स्टोव थोड़ी ना। और फ्रेंड्स मुझे ना ये सारे बर्तन का साइज परफेक्ट और बहुत अच्छा लगा, मन हो रहा है कि अभी खेल दूँ। फ्रेंड्स अगर आपको भी मेरे जैसे ऐसे एक मिनीचर किचन सेट चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें क्लिक करके परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं ना बहुत जल्द ये एक कुकिंग का वीडियो बनाऊँगी, देखना मिस मत करना। ओके फ्रेंड्स मुझे तो ये बर्तन और ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लगा। और फ्रेंड्स अगर आपको भी ये सब अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर लेना। ओके फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स। चलो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, बाय। एरोप्लेन अपनी जगह में लैंड करो। ओके।